हे व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट के सीरीज के पार्ट टू में। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक अपना घर। गाइस पार्ट वन में आपने देखा था मैं एक बहुत ही छोटे से घर में रहता था और उस घर में भाई बहुत ज़्यादा ही खतरा था, ज़ॉम्बीज का भी डर था गाइस। इसलिए आज हम लोग एक अपने लिए बहुत ही बड़ा घर बनाएंगे और बहुत ही आलीशान महल टाइप का गाइस घर हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। और उसी को गाइस खोजने के लिए हम लोग एक कोई ऐसा प्लेन जगह खोज रहे थे। तो गाइस हम लोग पार्ट वन का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो गाइस पार्ट वन में हमने अपने लिए जितना भी इफिशियंट टूल्स था सारे टूल्स बना लिए थे और एक छोटा सा घर भी बनाया था। लेकिन गाइस उस घर में थोड़ा सा ज़ॉम्बीज का खतरा था और वो घर गाइस बहुत ही ज़्यादा छोटा था जिसमें मैं अपने सारे सामान नहीं रख पाता। इसलिए गाइस हम लोग उस जगह से निकल गए हैं और एक बहुत ही प्लेन जगह खोज रहे थे। और खोजते खोजते गाइस मैं कुछ ये बर्फ़ वाले इलाके में पहुँच गया हूँ जहाँ इसको आप अभी देख ही सकते हैं। और गाइस ये इलाका इतना ज़्यादा सुंदर है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं पर कहीं घर बना लूँ। इसीलिए गाइस मैं एक अभी प्लेन जगह खोज रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि जो गाइस स्नोफॉल हो रहा है वो कितना ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। हम लोग का गाइस निकले हुए घर से बहुत ही ज़्यादा देर हो गया है गाइस, एक रात हो गया था। तो मैंने तो तुरंत बेड लगाकर वहीं पे मैं सो गया था, इस कारण से गाइस ज़ॉम्बी जो थे स्वैम्प नहीं हो पाए थे और मैं रात में बहुत ही आसानी से ज़िंदा भी रह गया था। लेकिन गाइस मेरे को कोई प्लेन नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, मतलब बहुत बड़ा सा अच्छा इलाका मेरे को अभी तक कुछ दिखा ही नहीं है। 6 months later हम लोग का घर से निकले हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन गैस अभी तक हमें कुछ अच्छा इलाका मिला नहीं है। बस गैस यही इलाका मिला है जो गैस बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। ये भाई अच्छा इलाका मिल जाए यार, मुझे घर बनाना है, प्लीज कोई अच्छा इलाका मिल जाए। गैस इस सुअर को मार देते हैं ताकि हमारा जो खाना है वो हमको मिल जाए, अभी ऐसे भी भूख लगी हुई है। 2000 years later मेरा घर से निकले हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया और मेरे पास अब खाने की भी कमी हो रही है, मेरे पास कुछ अच्छा खाना भी नहीं है अगर। लेकिन मेरे को अब घर नहीं मिला तो अब मेरी मृत्यु नज़दीक ही है। A few moments later हम लोग अपने घर से बहुत ही ज़्यादा दूर आ गए हैं और ये सामने क्या है गाइस, सामने यहाँ पर एक घर बना हुआ है, मतलब गाइस मैंने एक विलेज को खोज लिया है। मैं इन सभी विलेजर्स का सारा सामान को गैस चोरी कर लूंगा और उसके बाद गैस अपना एक घर बनाऊंगा, उसमें गैस इनके सारे सामान को भी रखूंगा। गाइस यहाँ पर इन्होंने खेती भी की हुई है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने गेहूं भी उगाया हुआ है। तो इन सभी को तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से लेके चला जाऊँ। और गाइस इनके पास एक गोलम भी है जो गाइस ज़ॉम्बी आता है तो ज़ॉम्बी को मार देता है। गाइस मैं अपने घर से तो बहुत ज़्यादा दूर आ गया हूँ, मेरे को वापस अपने घर जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि गाइस घर नहीं जाता हूँ, यहीं पर मैं अपना एक घर बना लेता हूँ और इन्हीं विलेजर लोग के साथ रहता हूँ, इनकी मदद करूँगा, इनकी रक्षा करूँगा। और गाइस इनका जो विलेज है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जो आप देख भी सकते हैं। और गाइस इनके पास गोलम है जिस कारण से गाइस मेरे को रात में ज़ॉम्बीज का भी कोई खतरा तो रहने वाला नहीं है। इसीलिए गाइस आज यहीं पर हम लोग अपना घर बनाएंगे। तो जल्दी से गाइस इस एरिया को हम लोग क्लीन कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस एरिया को क्लीन कर देते हैं, यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा स्टोन है सबको हटा देंगे क्योंकि गाइस हम लोग का थोड़ा घर बड़ा होगा तो ये सब जो भी चीज़ें हैं वो फालतू हैं तो इन्हें हम लोग जल्दी से हटा लेते हैं। ऑलराइट गाइस जितना भी हम लोग को एरिया प्लेन करना था उसे हमने हटा दिया है गाइस, जितना भी एक्स्ट्रा स्टोन था। अब हम लोग को गाइस बस थोड़ा सा लकड़ी का जरूरत है। पहले से ही गाइस मैंने ओक वुड की बहुत सारी लकड़ियाँ जुटा कर रखी हुई थी इसलिए गाइस उसको तो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्पर्श लॉक चाहिए गाइस। और देखिए यहाँ पर एक और गोलम है गाइस, देख सकते हैं यही गोलम है गाइस जो हम लोग की रक्षा करेगा। देख रहे हैं कितना क्यूट सा दिख रहा है। और यहाँ पर गाइस इन्होंने फायर भी जला के रखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस। यहाँ पर खाना भी है और ये गाइस ब्लास्ट फर्नेस भी, मतलब गाइस ये विलेज खुद में गाइस पूरी तरह से डेवलप हो गया है ये विलेज। इसलिए गाइस यहीं पर हम लोग रहेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ये विलेजर्स ने सब कुछ पहले से करके रखा है। और इनका मैं थोड़ा सा खाना भी ले लेता हूँ। और गाइस जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास गाइस पहले से ही ओक वुड है क्योंकि मैं पहले ही सोचा था कि अपना घर को कैसे बनाना है, इसलिए गाइस मैंने सफिशिएंट लकड़ी ले ली। बस मुझे अब स्पर्श लॉक चाहिए जिसको जल्दी से मैं यहाँ पर काट लेता हूँ। गाइस यहाँ पर इस तरह की लकड़ियों का कोई कमी है तो नहीं, इसलिए गाइस इस लकड़ी को हम लोग जल्दी से काट लेते हैं और इससे गाइस हम लोग अपना जो घर होगा उसका बस बॉर्डर बनाएंगे। ऑलराइट गाइस हमने अपनी जितनी भी लकड़ियाँ चाहिए थी उनसे ज़्यादा ही लकड़ियाँ काट लिया, लगता है मैंने बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काट लिया है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास इतनी सारी लकड़ियाँ हैं और भी मेरे पास गाइस बहुत सारी लकड़ी थी, मैं पूरा अपना क्रेट भर के लाया था उसको। गाइस अभी अपने चेस्ट को मैंने विलेजर के ही घर में रख दिया है क्योंकि इसमें और भी लकड़ियाँ काटना था। तो अब लोग गाइस हम यहीं पर अपना घर बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम लोग स्पर्श लॉक से अपना घर का शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर गाइस हम लोग अपना एक लॉक रखेंगे,
यहाँ पर गैस एक और लॉग रखेंगे और गैस उसके ऊपर हम लोग एक और लॉग रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा लॉग रख दिया था, उसको हटा देते हैं और गैस जस्ट इसके गैस हम लोग सामने में अब अपना एक और लॉग का गैस 3 का जो लॉग होगा उससे एक उठाएंगे। तो गैस जो हम लोग का घर होगा वो थोड़ा सा गैस ऊंचाई पे होगा, ये गैस हम लोग का घर का जो होगा अभी बेस होगा। तो यहाँ पर एक लॉग, दो लॉग और तीन लॉग और गैस जस्ट इसके सामने हम लोग जाके गैस ऐसे ही और तीन लॉग रखेंगे। ऑल राइट गैस, यहाँ पर भी हमने अपना तीन लॉग लगा लिया है और गैस अब बस यहाँ पर हमको सामने जाना है, एक लॉग और गैस इसके ऊपर एक और लॉग और गैस इसके ऊपर एक और लॉग लगा देंगे। यहाँ पर गैस हम लोग तीनों लॉग लगा दिए हैं। अब हम लोग गैस करेंगे क्या कि ये जितने भी वुड के लॉग हैं इसको गैस हम लोग स्लैब से ज्वाइन कर देंगे। तो जल्दी से गैस सबसे पहले मैं वुडन स्लैब बना लेता हूँ क्योंकि गैस हम लोग का जो घर का बेस होगा इसी से बनेगा। मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल पुराने ही घर में छोड़ दिया था, इसलिए गैस मैं अभी विलेजर का क्राफ्टिंग टेबल यूज कर रहा हूँ, उसी के मदद से गैस अपने जितने भी सामान है उसे बना रहा हूँ। तो गैस हम लोग घर में सबसे पहले तो यहाँ से अपना सीढ़ी रखेंगे, तो यहाँ पर गैस हम लोग सीढ़ी लगाएंगे और गैस उसी सीढ़ी के मदद से हम लोग ऊपर जाएंगे और उसके बाद गैस स्लैब लगाएंगे। तो सबसे पहले गैस चलिए हम लोग अपना सीढ़ी लगाने का काम शुरू करते हैं। तो गैस यहाँ पर हम लोग एक सीढ़ी को प्लेस करेंगे, जैसे इस लाइन में एकदम सीधे लेके आते हैं गैस, और यहाँ पर एक सीढ़ी रखेंगे और गैस यहाँ पर एक और सीढ़ी रखेंगे। तो गैस ये जो सीढ़ी को कैसे गैस घर तक बनाना था इसको गैस मेरे एक सब्सक्राइबर स्पाइडी गेमिंग ने बताया था, तो गैस उसको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और गैस अगर आप भी कुछ जानते हैं जो मेरा हेल्प कर सकता है माइनक्राफ्ट में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना सीढ़ी को लगा लेते हैं। गैस हमने सीढ़ी तो बना लिया है और गैस सीढ़ी बनाते बनाते हम लोग का रात हो गया है। तो गैस आज का रात तो हमें इस विलेजर के घर में सोना है और गैस यहाँ पर इसका एक बेड खाली है, ये जो विलेजर है गैस ये घर के ऊपर रहता है। तो चलिए हम लोग जल्दी से सो जाते हैं। The next morning. गाइस अब सुबह हो गया है तो अब हम लोग जल्दी से चल के अपना घर का आगे का काम को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो सबसे पहले हमने सीढ़ी बनाया था आप देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ी बन गया है और इसका गाइस जो इतना भी डर्ट है इसे हम लोग हटा देते हैं सबसे पहले। और गाइस अब हम लोग अपना स्लैब लगाने का काम को शुरू करते हैं। तो हमने स्लैब को गैस बना लिया है, तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना स्लैब लगाना शुरू करते हैं। तो गैस स्लैब हम लोग नीचे ही से लगाते हैं, ऊपर से लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो मैं जल्दी से सबसे पहले स्लैब लगा लेता हूँ। 3 hours later. फाइनली गैस हम लोग का स्लैब लगाने का भी काम पूरा होने वाला है और गैस यहाँ पर हमने नीचे से सारा स्लैब लगा दिया और गैस नीचे यहाँ पर खाली इलाका होगा और ऊपर से गैस जो हम लोग का होगा यहाँ पर घर हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो गैस आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि नीचे मैंने जो खाली जगह रखा है वो किस लिए रखा है। वैसे गैस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो नीचे खाली जगह है उसे मैंने क्यों रखा है, लेकिन उससे पहले गैस आप लोग जल्दी से गेस कर लीजिए। तो यहाँ पर गैस हम लोग अपना सारा वोक प्लैंक को रखेंगे और उससे गैस हम लोग घर को अपना ऊँचा खड़ा करेंगे। 3 hours later. गैस हम लोग का जो प्लैंक लगाने का काम है वो भी पूरा ही होने वाला है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पूरा प्लैंक लगा दिया है और गैस प्लैंक लगाते लगाते रात हो गया है। तो गैस आज का भी दिन हम लोग को विलेजर के ही घर में सोना होगा, तो यहाँ पर मैं और भी पूरा प्लैंक लगा देता हूँ, उसके बाद गैस हम लोग आज जाके विलेजर के ही घर पर सो जाएंगे और गैस यहाँ से हम लोग एक ऊपर से स्लैब लगा के ढक देंगे और उसके बाद गैस हम लोग का घर बन जाएगा। और यहाँ पर जैसे स्लैब लगाएंगे वैसे ही स्लैब लगाएंगे, ये ओक प्लैंक नहीं लगाएंगे और गैस हम लोग का घर बन जाएगा और उसके बाद गैस हम लोग अपना घर के अंदर पूरा सामान को शिफ्ट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब जल्दी से विलेजर के घर में जाकर सो जाते हैं। The next morning. तो गैस अब सुबह हो गया है और हम लोग अपना घर में गैस जो अपना स्लैब लगाने का काम है वो शुरू करेंगे। यहाँ पर गैस हम लोग इस प्रकार जाएंगे, गैस यहाँ पर हम लोग स्लैब लगाएंगे और गैस इसी स्लैब को लगा लगा कर गैस हम लोग अपना घर का पूरा छत को बनाएंगे। ऑल राइट गैस हम लोग का जो छत बनाने का काम है वो भी लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन गैस छत बनाते बनाते फिर से रात हो गया है, मतलब गैस आज के रात भी मुझे विलेजर के ही घर में शायद सोना पड़ेगा। और गैस यहाँ पर थोड़ा सा जगह खाली है तो उसको हम लोग देख लेंगे कि उसको कैसे मैनेज करना है, उसको भी ठीक कर लेंगे और गैस थोड़ा देर में हम लोग जाके सो जाएंगे। लेकिन गैस जो अगला सुबह होगा गैस वो तो पक्का अब हम लोग अपने ही घर में सोएंगे। और गैस यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा मेरा घर दिख रहा है और जो विलेजर्स की लाइट की रोशनी है वो भी आ रही है। तो चलिए गैस अब हम लोग जल्दी जाकर विलेजर के ही घर पर सो जाते हैं। गैस विलेजर के पास एक एक्स्ट्रा बेड है। गैस यहाँ पर आसपास में कोई ज़ॉम्बी है इसी कारण से भी मैं सो नहीं पा रहा हूँ और गैस मुझे विलेजर्स की रक्षा भी करनी है, इसलिए गैस वो ज़ॉम्बी को मैं जाके मार देता हूँ। सोच तो रहा हूँ गैस कि चलिए उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं क्योंकि गैस विलेजर्स की रक्षा करना मेरी जिम्मेवारी है। तो चलिए गैस हम लोग चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर ज़ॉम्बी है गैस और उसे जल्दी से मार देते हैं और गेट को भी बंद कर देते हैं। तो गैस इधर तो ज़ॉम्बी दिख नहीं रहा और गैस देखिए ये ऊपर वाले विलेजर्स को गैस ये ज़ॉम्बी मारने गया था, तो इसे तो हम लोग बहुत आसानी से मार देंगे, ये सबसे कमज़ोर ज़ॉम्बी होता है गैस, तो इसे हमने मार दिया। तो चलिए अब हम लोग जाके अपना सो जाते हैं। The next morning.
तो गाइस हम लोग का घर बनाने का काम तो लगभग कंप्लीट हो गया, 90% हम लोग का घर बनाने का काम पूरा हो गया। बस गाइस अब जो डेकोरेशन का काम बाकी है बस वहीं बाकी है, और ऊपर में गाइस थोड़ा सा मैंने एक ब्लॉक लगाना भूल गया हूँ, तो उसे जल्दी से गाइस हम लोग वहाँ पर अभी जल्दी से यहाँ पर आके यहाँ पर सारा ब्लॉक लगा देते हैं। तो गाइस मैंने ऊपर ब्लॉक लगा दिया और गाइस हम लोग का घर का काम पूरा हो गया। अब जल्दी से गाइस हम लोग यहाँ जाते हैं और एक डोर बना के ले आते हैं ताकि हम लोग घर में गाइस दरवाज़ा लगा दें और जो ज़ॉम्बी हो वो हम लोग के घर में ना आ पाए। तो यहाँ पर गाइस क्राफ्टिंग टेबल में जाता हूँ और गाइस कुछ इस प्रकार मैं लॉक को रखूँगा तो गाइस अपने आप मेरा डोर बन जाएगा। तो चलिए अब डोर बना लेते हैं। हम लोग डोर लेकर आ गए हैं यहाँ पर, गाइस दोनों डोर लगा देते हैं। अब देखिए हम लोग का घर अच्छा दिख रहा है, बस गाइस जो ऊपर है वो थोड़ा सा खाली दिख रहा है। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं अभी। तो मैं सोच रहा हूँ कि गाइस दो स्टेयर लेके वहाँ पर कुछ डिज़ाइन बनाने का कोशिश करूँ। तो गाइस हम लोग यहाँ पर एक और स्टेयर ऐसे लगा देते हैं और नीचे एक और स्टेयर लगा देंगे, उसके बाद गाइस जो ये जगह है वो भर जाएगा और हम लोग का गाइस जो घर है वो भी अच्छा दिखने लगेगा। तो यहाँ पर भी लगा देते हैं। अब चलिए अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस इधर अंदर से पूरा क्लोज हो गया है और ये घर अब अच्छा लग रहा है। और बाहर से यहाँ पर गाइस हम लोग सोच रहे हैं कि ऊपर जो गैप है उसमें को फूल वूल रख देंगे और यहाँ पर गाइस हम लोग एक एरिया बनाएंगे। गाइस यहाँ पर हम लोग थोड़ा गार्डन टाइप का रखेंगे और इधर साइड अभी हम लोग स्विमिंग पूल बनाएंगे। ऑलराइट गाइस अब हम लोग अपना घर में टॉर्च लगाने का काम को कंप्लीट करते हैं। नीचे मैंने सारे जगहों पर टॉर्च लगा दिया है। गाइस टॉर्च लगाने के बाद हम लोग का लाइट हो जाएगा और इधर ज़ॉम्बी वॉम्बी नहीं आएगा। तो हम लोग अपना घर में भी सब जगह पर इस लाइट को लगा देते हैं। और गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और गाइस मैंने आपको डिस्कॉर्ड का भी अपना सर्वर का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से गाइस जाकर आप मेरा फ्रेंड बन सकते हैं और आप वहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। हम लोग का लाइटनिंग का काम हो गया है पूरा। अब जितने भी गाइस हम लोग विलेजर के घर से सामान है वो सब लाकर हम अपने घर में रख लेते हैं। ऑल राइट हमने अपने विलेजर से सारा घर का सामान लेके आ गए हैं और अपने घर में रख दिया। और अब देख सकते हैं हमारा घर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर गाइस एक रेड कारपेट रख देते हैं और इस चेस्ट में गाइस जितने भी मेरे अभी हथियार हैं उन्हें मैं रख देता हूँ। अभी तो इनका मुझे कोई यूज है नहीं, इसलिए गाइस मैं अपने जितने भी हथियार हैं रख देता हूँ। जब मैं गाइस इधर आ रहा था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की थी, गाइस मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली तो उन सभी को मैंने रख लिया। और मेरे पास अभी दो बेड और है और भी चेस्ट में, तो गाइस इन सभी बेड को भी लगा देते हैं। फर्नेस भी है गाइस मेरे पास, बैरल है, मतलब हर चीज़ तो अभी हो ही गया गाइस जिसका भी मुझे जरूरत पड़ने वाला है। हम लोग का घर का सारा काम हो गया। चले गए सब हम लोग अपना सीक्रेट बताते हैं कि हम लोग घर के नीचे जो बनाया है वो किस लिए बनाया है। तो गाइस जो हम लोग का घर के नीचे है वहाँ पर हम लोग एनिमल का फार्मिंग करेंगे। वहाँ पर गए तभी मैं फेंस लगाऊंगा और अपने बहुत सारे एनिमल्स को पालूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुत सारा फेंस बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग अपना फेंसिंग का काम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक फेंस लगाना हम लोग शुरू कर देते हैं और फेंस लगा देते हैं। और गाइस ये क्या हुआ है यार, क्रीपर मतलब बहुत ही ख़राब चीज़ होता है यार, ज़ॉम्बी से डर नहीं लगता है साहब, क्रीपर से डर लगता है। मतलब गाइस ये क्रीपर बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, मतलब पूरा बनाया हुआ घर को गाइस तबाह कर देता है। जैसे आप देख ही रहे कि कितना ज़्यादा डैमेज कर दिया, अब इसे पूरा मुझे ठीक करना पड़ेगा। गाइस आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैं कैसे क्रीपर से बच सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए मुझे क्रीपर मेरे विलेज में, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। ज़ॉम्बी को तो गाइस आप मार भी सकते हो, क्रीपर से तो आप लड़ भी नहीं सकते हो। आप लोग मुझे बताइएगा गाइस कि मैं कैसे क्रीपर से बच सकता हूँ। गाइस क्रीपर से जितना भी डैमेज हुआ था उसे तो हमने भर दिया है। और गाइस भरते भरते रात हो गया, फेंसिंग का भी अब सारा काम हो गया। तो चलिए अपना रॉयल बेड पे सो जाते हैं। तो गाइस ये जो पर्पल वाला बेड है यही मेरा बेड होगा और यहीं पे हम लोग सोएंगे। The next day. तो गाइस सुबह हो गया और हमारा फेंसिंग का जितना भी काम था वो लगभग कंप्लीट हो गया। और गाइस जो नीचे का एरिया है उसको हम लोग गाइस दो या फिर तीन भाग में बांट देंगे और यहाँ पर गाइस दो या तीन प्रकार के एनिमल्स को पालेंगे। तो आप मुझे गाइस कमेंट में बताइएगा कि मुझे कौन कौन सा एनिमल पालना चाहिए जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देगा इससे। और गाइस इधर मैंने अपना जितना भी लाइट है यहाँ पर अभी थोड़ा देर में मैं लाइट भी लगा दूंगा और अपने बाकी के भी गाइस मैनेज कर लूँ। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। गाइस अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पर एनिमल को पालेंगे और गाइस अपने लिए फील्ड भी बनाएंगे जहाँ पर गाइस हम लोग खेती भी करेंगे। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से ऑन कर दें। और गाइस मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि मुझे आगे इस गेम में और क्या क्या बनाना चाहिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।